This is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Today I am taking a tarot reading for all the viewers who are in a soul connection with someone. ऐसे सभी लव कनेक्शंस जिनमें मेरे व्यूअर्स को ये लगता है कि वो किसी व्यक्ति के साथ में एक बहुत डीप सोल कनेक्शन में है, और चाहे वो साथ में है चाहे वो सेपरेट हैं, वो इस सोल कनेक्शन से अपने आप को हमेशा जुड़ा हुआ पाते हैं, कभी अपने आप को अपने पर्सन से अलग नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ऐसे कपल्स के लिए, ऐसे लव रिलेशनशिप्स के लिए मैं आज ये रीडिंग देने जा रही हूँ। लेट्स चेक कि क्या निकल के आता है। तो ये लव रीडिंग के लिए टैरो का स्प्रेड हमारे सामने है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। जहां तक मुझे लगता है, इस लव कनेक्शन में जो मेल पार्टनर है और जो फीमेल पार्टनर है, या ये दोनों ही इस वक्त नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी का मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्शन फॉरवर्ड, फास्ट एक्शन फॉरवर्ड, यानी दोनों ही व्यक्ति अपने अपने लाइफ में किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना शुरू कर रहे हैं। दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर दी है, और इस न्यू बिगनिंग की तरफ वो बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कार्ड आया है हमारे पास में सन कार्ड, तो ये कुछ एक्शन है जो क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक पर आया है, मतलब ये दोनों के लिए है, द मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों के लिए ये रीडिंग ये कार्ड है। तो जो मेल और फीमेल पार्टनर है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग स्टार्ट कर दी है, और इस पॉजिटिव बिगिनिंग की वजह से उनकी लाइफ में सनशाइन हुई है। सनशाइन का मतलब कुछ नया उत्साह आया हो या कुछ नया चेंज आया हो। जैसी पहले वो जैसे लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी में थे, या दुख या सोरो या डिप्रेशन वाली जो एनर्जी में थे पहले, उससे ये निकलकर अब अपने अपने सक्सेस की ओर जा रहे हैं। यानी दोनों ही अपने लाइफ में और अपने करियर में या अपने पर्सनल या दूसरे रिलेशनशिप्स में वो कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं इस वक्त में। और ये बात दोनों ही जानते हैं, एक दूसरे के बारे में ये बात दोनों ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया पेज ऑफ स्वॉर्ड कार्ड, मतलब दोनों ही मेल और फीमेल पार्टनर एक दूसरे पर स्टॉकिंग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की जानकारी दोनों को बराबर है। यानी जो फीमेल है वो मेल की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके बारे में उसको अपडेट है, इसी तरह से मेल पार्टनर को भी फीमेल पार्टनर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसकी उसको पूरी अपडेट है। और जानकारी होते हुए भी दोनों ये जानते हैं कि क्योंकि
इस वक्त उनका साथ रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वे दोनों ही अपनी अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जितने भी जो भी प्रयास किए जाने चाहिए उस उन प्रयासों को करने की ओर उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। ठीक है, ये मुझे इस पहली रो से समझ में आ रहा है। उसके बाद में कार्ड है मैं इसको इस तरह से रीड करना चाहती हूँ, हालांकि करेज कार्ड है ये, हालांकि एक दूसरे को जब वे एक दूसरे के लिए नॉलेज लेते हैं और ये जानते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत करेज की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ मेल और फीमेल दोनों पार्टनर ने बहुत साहस दिखाकर, बहुत ग्राउंडेडनेस दिखाकर इस न्यू बिगिनिंग को शुरू किया है और इस बात को सहन करने के लिए कि उनका जो लवर है, उनका जो मेल पार्टनर है, उनका जो फीमेल पार्टनर है, वो उनके बिना भी फ्लावरिंग यानी फ्लोरिश कर रहा है, इस बात को जानने के लिए, इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही मेल और फीमेल पार्टनर जो है बहुत करेज यानी बहुत साहस का परिचय दे रहे हैं और सच्चाई को जानते हुए भी और इस सच्चाई से उनको तकलीफ होते हुए भी वे करेज के साथ, साहस के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और इस ब्यूटीफुल जो कदम इन मेल और फीमेल पार्टनर्स ने उठाया है, यानी कि अपनी अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का जो साहसिक कदम इन्होंने उठाया है, इसकी वजह से दोनों ने ही अपने अपने अबंडेंस में टैप किया, अबंडेंस में समृद्धि में टैप किया, मतलब दोनों को ही यूनिवर्स की तरफ से खूबसूरत जिंदगी, अच्छे लोग, सफलता गिफ्ट के तौर पर दी जा रही है। हालांकि हालांकि जब ये दोनों अकेले होते हैं, इस तरह से जब ये दोनों अकेले होते हैं उस वक्त में ये अपने इस लविंग पार्टनर को याद करते हैं, अपने इस लविंग पार्टनर के बारे में नॉस्टैल्जिक यानी जिसको बोलते हैं ना, उनके उनके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन और उनके बारे में सोचते हुए देखिए यहाँ कार्ड आया है सोरो कार्ड। जब वे अकेले होते हैं, जब अकेले होते हैं तब वे अपने इस लव पार्टनर के बारे में सोचते हैं और उस समय ये दुखी और परेशान और डिप्रेस होते हैं और इनको ऐसा भी फील होता है कि मेरे लवर ने, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे मेरे को बैक स्टैब किया है, मुझे बीच मझधार में छोड़कर या मेरे को मेरे पीठ में छुरा भोंककर मुझे छोड़कर ये व्यक्ति चला गया है। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं, ऐसा दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। हालांकि जब ये अकेले होते हैं तब अपने इस पार्टनर के साथ अपने इस ब्यूटीफुल रिलेशन को याद करके ये बहुत दुखी है, दोनों ही व्यक्ति बहुत दुखी हैं, दोनों को ही ऐसा फील होता है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया है और उनको छोड़कर चला गया है, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी दोनों ही अपने अपने प्राइड और ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी दोनों ने ही अपने अहम को जरिया बना लिया है एक दूसरे के साथ दूर रहने का। यानी यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर्स ने अब अहम को यानी अपने स्वाभिमान को ज्यादा महत्व दिया है, दोनों ही अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कोई भी ऑफर नहीं दे रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक एन ऑफर, तो आप देख रहे हो कि जस्ट अ सेकेंड, दोनों ही अपने प्राइड और ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही अपने प्राइड और ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन और क्योंकि ये प्राइड और ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए ये लव ऑफर, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स लाइक ऑफर, सॉलिड ऑफर, ना ही तो मेल की तरफ से ना ही फीमेल की तरफ से ऐसा कोई सॉलिड ऑफर एक दूसरे के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि मॉरेलिटी कार्ड है यहाँ पर, है ना, यानी कि दिस इज लाइक क्वीन ऑफ
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, क्योंकि दोनों ही इस बात के प्रति अभी क्लियर हैं कि ये समय जिंदगी के इस समय में वे एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। दूसरी कई सारी ऐसी चीजें और पास्ट में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं इसकी वजह से अब दोनों के माइंड में इस बात की क्लैरिटी है कि वे इस वक्त एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। भले ही वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे का ड्रीम करते हों, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हों, और लेकिन इस वक्त इनको इस बात का नॉलेज है, इस बात का पता है कि वे चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनकी लाइफ इम्प्रिजेंड है, यानी वो बंधे हुआ फील करते हैं, उनके होठ सिले हुए, यानी वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को कोई ऑफर नहीं कर रहे हैं, और दोनों ही अपने प्राइड और ईगो, यानी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हो चुके हैं। और दोनों, क्योंकि दोनों को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक व्यक्ति को दूसरे के लिए ऐसा लगता है कि इस मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, और इस वजह से दोनों ने इस ऑफर को रोक रखा है। दोनों ने ही अपने आप को एक स्टक कंडीशन में, एक रुका हुआ, अपने रुकावट खुद के ऊपर ही डाल रखी है। हालांकि दोनों सीक्रेटली, इनर वॉइस कार्ड है यहाँ पर, है ना, तो दोनों ही सीक्रेटली इस बात को जानते हैं कि अपने पार्टनर के बारे में वो जो कुछ भी जानते हैं, मतलब दोनों ही व्यक्तियों को पता है कि हम दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, ये बात ये दोनों ही व्यक्ति जानते हैं। लेकिन अब इन्होंने इस सीक्रेट को अपने तक रख लिया है, इस चीज को अब ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और दोनों ने ही इस मैटर को, यहाँ पर एग्जिस्टेंस कार्ड है, और दोनों ने ही इस मैटर को डिवाइन के हाथों में छोड़ दिया है। दोनों ही चाहते हैं इस तरह की ब्यूटीफुल यूनियन को, दोनों ही चाहते हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने इस कनेक्शन को इस वक्त डिवाइन के हाथ में छोड़ दिया है। और यहाँ पर जैसे ये तारा टूट रहा है ना, हम ऐसा मानते हैं कि तारा टूटने से विश फुलफिलमेंट होती है, तो इन्होंने अपनी जो विश है, यानी अपने लवर, अपने पार्टनर के साथ रहने की अपनी जो विश है, इसको डिवाइन के हाथ में छोड़ दिया है, और ये चाहते हैं इनकी विश कम्प्लीट हो, लेकिन इस वक्त ये साइलेंस में, अलोननेस में ऑपरेट कर रहे हैं, और कोई भी एक्शन इस पर ये नहीं ले रहे हैं। ओके, इसके बाद में कार्ड आता है हमारे पास, अगेन वही बात, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उनको जितना प्रयास करना चाहिए था, वो अपनी अपनी तरफ से उस प्रयास को कर चुके हैं, जिसके हम कहते हैं ना कि बीज डाल दिए गए हैं और अब केवल इंतजार है फसल के उगने का। तो दोनों को ही ऐसा लगता है कि हम अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रयास कर सकते थे हम कर चुके हैं, और अब और प्रयास न तो करने की आवश्यकता है, और न ही अब अगर और अधिक प्रयास किया तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है, और इसलिए दोनों ही व्यक्ति वेटिंग मोड में आ गए, यानी दोनों ही अभी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, दोनों ही वेटिंग मोड। हालांकि दोनों वेट कर रहे हैं कि मुझे ऑफर मिले, लेकिन दोनों ऑफर देने की बजाय ऑफर के आने की इंतजार कर रहे हैं, और इसीलिए हैंगमैन, यानी कि ये जो कंडीशन है ना, स्टक हो गई, ये लव कंडीशन एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गई, क्योंकि दोनों ही पार्टनर ने एफर्ट लगाना बंद कर दिया है, दोनों ही वेटिंग मोड में है, और इसलिए ये जो लव कनेक्शन है ये इस वक्त स्टक, यानी रुकी हुई कंडीशन में आ चुका है। हालांकि सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, ये सेल्फ सेबोटेज है। सेल्फ सेबोटेज का मतलब ये खुद को ही धोखा देने के बराबर है, क्योंकि जो कुछ भी बाहर से नजर आ रहा है, जो कुछ भी बाहर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की लाइफ को पर नजर रखे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानते हैं, और इसीलिए दोनों बाहर की तरफ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बाहर की तरफ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, उनकी लाइफ में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों बहुत सक्सेसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ये दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ऐसा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि ये जो सन कार्ड है,
ये सन कार्ड है ना, यानी सब कुछ बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन सन कार्ड के जस्ट नीचे 10 ऑफ सॉर्ड कार्ड है। ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ही व्यक्ति बहुत अधिक पेन महसूस कर रहे हैं, बहुत अधिक हर्ट महसूस कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर दोनों ही व्यक्ति वेट कर रहे हैं किसी सामने से ऑफर के आने का। दोनों वेट कर रहे हैं, दोनों हर्ट हैं, दोनों पेन में हैं, लेकिन ऊपरी सतह से बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों की लाइफ एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से दोनों यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल है और वी आर लाइक एम्परर्स, हम एम्परर हैं, अपनी अपनी जिंदगी के राजा हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और सच ये है, लेकिन सच ये है कि दोनों ही इस प्राइड एंड ईगो में, अपने अपने अहंकार में फंस चुके हैं, और दोनों ही इस प्राइड एंड ईगो से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए ये जो सक्सेस है ना, ये केवल सुपरफिशियल सक्सेस है। इस सक्सेस का रियल सक्सेस से या रियल हैप्पीनेस से भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसके बाद में कार्ड आता है हमारे पास इसके बाद कार्ड आता है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड कार्ड, यानी दोनों ही एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे को सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को, न सिर्फ एक दूसरे को बल्कि अपने आप को भी कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम ठीक हैं, हम अपनी जगह पर ठीक हैं, और हमें एक दूसरे को कुछ भी अभी इस वक्त कहने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरे, जो भी आप एक दूसरे के साथ देख रहे हो ना, वो सब कुछ सुपरफिशियल। अगर आप इन कार्ड्स को देखोगे, देखिए मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, तो यहाँ की पहली रो जो है वो बहुत अच्छी रो है, और उसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड्स आते हैं वो थोड़े से स्टक कार्ड, वेटिंग और पेन के कार्ड्स आते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि सुपरफिशियली ऊपर से देखने पर दोनों की लाइफ बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर दोनों ही पार्टनर्स बहुत पेन में हैं और अपने खुद की इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खुद को ही वो अंदर ही अंदर से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ओके, इसके बाद में कार्ड आता है बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि ये इसके साथ यानी जो मैंने अभी आपको कहा कि दोनों ही व्यक्ति सेल्फ सेबोटेज कर रहे हैं, ये जानबूझकर इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और बियॉन्ड इल्यूजन दिस, ये बात सच है, यानी कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जो कहा जाए, जो अभी यहाँ पर मैसेज डिलीवर हुए हैं, दे आर वेरी वेरी ट्रू। और बियॉन्ड इल्यूजन क्या हो रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन यहाँ न्यू विजन आ रहा है, और इसको हैंगमैन कार्ड भी कहते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन इस सारा जो दिखावा, ये सारा दिखावा, जो ऊपरी दिखावा जो हो रहा है, इसकी वजह से ये रिलेशनशिप और ये व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति स्टक हो चुके हैं। ये दोनों ही व्यक्ति, जैसे आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति कदम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन दोनों ने अपने कदम रोक लिए हैं, और पोस्टपोनमेंट कार्ड आता है इस बार, और दोनों ने ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से पोस्टपोन्ड इस वक्त कर दिया है। और क्योंकि ये दोनों का इंडिविजुअली एक जैसा दोनों का डिसीजन है कि हमें इस रिलेशनशिप को पोस्टपोन कर देना है, हमें इस रिलेशनशिप को अब हैंग करके रखना है, इसको रोक के रखना है, और हमें किसी तरह का कोई ऑफर एक दूसरे को नहीं करना है। ये और दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर पेन में है, दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर सौरों में है, दोनों ही इस बात को, दोनों ने ही इस लव रिलेशनशिप को डिवाइन के हाथों में सौंप दिया है। और इस सब के होने के बावजूद, यदि ये जब भी ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को सोशल मीडिया पर या किसी भी और तरीके से देखते हैं, तो उनको बाहरी या ऊपरी तौर पर दिखने पर ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी मेरे स्पाउस की, जिसने मुझे धोखा दिया, जो आगे बढ़ गया और जिसने मुझे धोखा दिया, इस व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, खुशहाल है, ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत सफल है। लेकिन जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं और इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, दैट इज ऑल ओनली सुपरफिशियल। एक्चुअली योर लवर, योर पार्टनर, योर स्पाउस एंड यू ऑल्सो, बोथ आर वेरी मच इन पेन, बोथ आर वेरी मच इन सोरो, एंड बोथ ऑफ यू आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू ऑफर
want that your spouse or your partner should offer their love to you. और दोनों ही ये चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरी तरफ आए, मेरे पास आए, और दोनों ही यानी कि ड्रीम्स में अपने पार्टनर के साथ अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ को दोनों ही देख रहे हैं. लेकिन क्योंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि आप दोनों ने ही म्यूचुअली पोस्टपोन कर दिया इस रिलेशनशिप को, फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है. लेकिन यहाँ पर जो लव है वो खत्म नहीं हुआ है. लव आप ऑफर एक दूसरे को पोस्टपोन कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पेन में हैं और दोनों ही एक दूसरे की इंतजार कर रहे हैं और दोनों ने ही इस रिलेशनशिप को भगवान के हाथों में सौंप दिया है यहाँ तक की रीडिंग. अब हम इसका फ्यूचर देखते हैं कि इस तरह के लव कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है. देखिए फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में जो होने वाला है या जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्री ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर आया है. थ्री ऑफ कप्स कार्ड के दो मतलब होते हैं. एक तो मैंने जो अभी आपको बोला, क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में किसी तरह ये रीयूनियन का भी कार्ड होता है ना, और सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है. तो दो बातें हो सकती है. एक तो नियर फ्यूचर में आपके बीच में किसी तरह की मीटिंग, आपके अपने पार्टनर से किसी तरह की कोई मीटिंग हो सकती है, यानी किसी पार्टी में, किसी सोशल गैदरिंग में, फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं इस व्यक्ति से आप मिलें और इससे आपकी बातचीत हो पाए. और जैसे ही इस व्यक्ति से आप मिलेंगे और इससे आपकी बातचीत होगी, वैसे ही ये जो साइकिल चल रहा है ना सेपरेशन का, लड़ाई झगड़े का, एक दूसरे से बात ना करने का और एक दूसरे को किसी तरह का ऑफर ना देने का, इस तरह का जो साइकिल चल रहा है ना, ये साइकिल एंड हो जाएगा. और ये इस वक्त जो आपको बहुत बड़ी बर्डन लग रहा है, यानी आप अपने व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहे हो या वो आपसे बात नहीं कर रहा, इसका जो बर्डन है, ये बर्डन जो है ना एकदम से डिसॉल्व हो जाएगा. ये साइकिल, सेपरेशन की साइकिल खत्म हो जाएगी और आपके बीच में किसी प्रकार की बातचीत या आपके बीच में मीटिंग होनी पॉसिबल हो जाएगी. एक तो ये है, यानी कुछ लोगों के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये इसमें से ये मैसेज है. लेकिन दूसरे ग्रुप वालों के लिए ये जो मैसेज, दूसरी तरह का मैसेज है, वो ये कि ये थ्री ऑफ कप्स कार्ड है. थ्री ऑफ कप्स कार्ड का मतलब ये थर्ड पार्टी एनर्जी, यानी जब तक या तो आप या आपका जो पार्टनर है दोनों थर्ड पार्टी एनर्जीज में है, यानी कि या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से आप अपने लवर के को कोई ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक पार्टनर के साथ हैं, या फिर आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति कमिटेड रिलेशनशिप में है और वो चाह कर भी आपको कोई ऑफर नहीं कर सकता है. तो जब तक आप, आपका व्यक्ति या आप दोनों ही किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में रहेंगे, तब तक ये बर्डन वाली साइकिल, यानी ये जो परेशानी, डिप्रेशन वाली साइकिल है, ये साइकिल एंड नहीं होगी. ये बर्डन यानी कि एक दूसरे से बात नहीं करने का और एक दूसरे के साथ कनेक्शन के कट रहने की वाली ये जो साइकिल है, ये साइकिल तभी पूरी होगी जब आप दोनों ही व्यक्ति इस थर्ड पार्टी एनर्जीज में से निकल जाओगे. तभी ये जो है स्थिति ठीक हो सकती है. दोनों तरह के मैसेज यहाँ पर है. यदि आप और आपका पर्सन कोई थर्ड पार्टी एनर्जी में नहीं हो तो काफी पॉसिबिलिटी है कि निकट भविष्य में आपका इस व्यक्ति के साथ में फिर से कम्युनिकेशन हो और आपकी जो परेशानी चल रही है इस व्यक्ति के साथ, उस वो साइकिल खत्म हो जाए. लेकिन अगर आप या आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी एनर्जी में है, यानी कोई और व्यक्ति आप दोनों के बीच में है जिसकी वजह से ये सेपरेशन है, तो जब तक ये थर्ड पार्टी यानी जब तक ये तीसरा व्यक्ति आपके बीच में से नहीं निकलेगा, तब तक ये साइकिल खत्म नहीं होगी और तब तक आप इस बर्डन से फ्री नहीं हो पाओगे. देन मैं इसको इस तरह से रीड करूंगी. और ये जो बर्डन है ना, दिस इज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का मतलब वही जो सेल्फ सेबोटेज, जो आपके पास पहले कार्ड आया था. क्योंकि ये जो बर्डन है,
ये जो बर्डन है ये आप दोनों को ही मेंटली बहुत परेशान कर रही है, ये आप दोनों को मेंटली बहुत परेशान कर रही है। आप दोनों मेंटली बहुत परेशान हो और आप बहुत ही आपके इमोशंस जो है ना, इमोशंस इमोशनली आप बहुत इस वक्त हर्ट या डिप्रेस फील कर रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि लवर्स कार्ड है। इसकी वजह ये कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो लव कनेक्शन है ये कोई नॉर्मल लव कनेक्शन नहीं, ये बहुत डीप सोल कनेक्शन है। तो जो एक व्यक्ति जो फील करता है वो दूसरा व्यक्ति भी वो फील करता है। तो ऐसा बहुत गहरा बॉन्ड होने की वजह से आप दोनों के सेपरेशन या थर्ड पार्टी एनर्जी की ये जो कार्मिक साइकिल चल रही, थर्ड पार्टी एनर्जी और कार्मिक साइकिल जो चल रही ये आप दोनों को बहुत बर्डन दे रही है। और इसकी वजह से आप इमोशनली बहुत हर्ट हो और इसकी वजह से आपके मेंटल अंदर ही अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। या फिर हो सकता है अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके आपस में भी झगड़ा लड़ाई चल रही होगी। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो आप इंटरनली आप बहुत अधिक परेशान होंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हो, यानी जब एक व्यक्ति परेशान होता है तो दूसरा उसकी एनर्जी को फील करता है, या जब दूसरा व्यक्ति आपको मिस करता है तो आप उसकी एनर्जी को फील करते हो। इस तरह का ये बहुत डीप सोल कनेक्शन है और इसी वजह से हमारे प्रीवियस स्टेप जो कार्ड था ना उसमें भी ये सारे कार्ड आए थे। ये जो बहुत ये सौरव कार्ड जैसे 9, और ये भी बहुत पेनफुल कार्ड है। इसी तरीके से जो ये कार्ड आया था आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, तो ये भी बहुत डीप पेन का कार्ड है। और इसी तरह से ये कार्ड आया यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये भी बहुत हैवी बर्डन का कार्ड है। तो ये जो हैवीनेस और ये डीप पेन आप जो फील कर रहे हो इसकी वजह यही है कि ये एक बहुत डीप सोल कनेक्शन है और एक दूसरे की एनर्जी को आप फील करते हो। तो एक व्यक्ति यदि दुख में होता है तो दूसरा व्यक्ति भी दुख में होता है। एक व्यक्ति अगर मिस करता है अपने पार्टनर को तो दूसरा व्यक्ति भी उसी वक्त उस तरह की एनर्जी को फील करने लग जाता है। और क्योंकि फिर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है तो फिर आप इमोशनली इम्बेलेंस हो रहे हो इस वक्त, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी मानसिक रूप से आप बहुत दुखी इस वक्त हो सकते हो। इस सिचुएशन से निकलने के लिए तो देखिए टेम्परेंस कार्ड आया है। टेम्परेंस कार्ड का मतलब है कि आपको दोनों को ही अपनी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है क्योंकि इस रिलेशनशिप में जजमेंट की जरूरत है। जजमेंट का मतलब रीबर्थ या जजमेंट की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों ही भले ही आप दोनों बहुत डीप सोल कनेक्शन में आप बंधे हुए हो, लेकिन आप दूसरे लोगों के साथ यानी आपके दूसरे रिलेशन जो कार्मिक रिलेशन है आपके आपके कार्मिक रिलेशन के साथ आप साइकिल में फंसे हुए हो। और ये कार्मिक साइकिल जो है ये कार्मिक साइकिल को आप जब तक कर्मा रिजॉल्व नहीं करेंगे, जजमेंट कार्ड का मतलब अपने कर्मों का हिसाब किताब करना, तो जब तक इन कार्मिक पार्टनर के साथ में आप अपने कर्मों का सारा हिसाब किताब नहीं करोगे तब तक जो है ये एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी। और जब तक आपका अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होंगे, आपके जो भी कार्मिक अकाउंट है वो जब तक क्लियर नहीं होंगे और जब तक आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे तब तक ये कम्युनिकेशन यानी 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कम्युनिकेशन, तब तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का होना मुश्किल है। तो यदि आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे तो आपको धीरज के साथ में अपने आप पर खुद पर काम करना होगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होगा। और आपके जो कार्मिक डेब्ट्स हैं यानी आपके जो रिश्तेदार हैं या रिश्ते हैं जिनमें आपको लगता है कि आप उनके साथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि आप किसी प्रकार के उनके साथ कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं, तो जब तक आप उनके साथ के अपने इस टाइम पीरियड को इस कार्मिक साइकिल को खत्म नहीं कर लेते हो तब तक आपका अपने लव के साथ में कम्युनिकेट कर पाना या वो आपकी तरफ आए हैं या आप उनकी तरफ ट्रैवल करें, ये ट्रैवल कार्ड भी है, कम्युनिकेशन और ट्रैवल दोनों के लिए कार्ड है। तो आप उनकी तरफ ट्रैवल या कम्युनिकेट करें या उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन या ट्रैवल आए हो आप तक मिलने के लिए, उससे पहले उनको भी अपने जो कार्मिक बर्डन्स है या कार्मिक डेब्ट है उनको पूरा करना है और आपको भी अपने कार्मिक डेब्ट्स को पूरा करना है। यानी कि इस वक्त आप दोनों ही
दूसरे अब दूसरे लोगों के साथ में एक कार्मिक साइकिल में चल रहे हो। तो यदि आप किन्हीं लोगों के साथ में स्टक फील कर रहे हो, बंधा हुआ फील कर रहे हो, तो आप ना इसको बर्डन में बर्डन मानना बंद कर दीजिए। आप ये मान के चलिए कि जैसे आप ये मान के चलिए जैसे स्कूल बच्चे जब स्कूल जाते हैं और उनको होमवर्क मिलता है, और वो अगर उसको बर्डन समझ के करेंगे तब भी उनको होमवर्क कंप्लीट करना ही है, और अगर वो उसको ये मान के चलेंगे कि ये मेरे भले के लिए हो रहा है तब भी उनको होमवर्क करना ही है, तो ये एक तरह का ये जो कार्मिक साइकिल होती है ना, ये हमारा एक तरह का इस जन्म का होमवर्क होता है, वो हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चाहे उसको आप रो के कंप्लीट करो या आप उसको हंस के कंप्लीट करो, आप जब तक अपने कार्मिक डेब्ट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपके आपके लव पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन का या आप दोनों का मिलना मुश्किल है, ऐसा ये कार्ड में बताया जा रहा है। अब ये जो आपको बताया गया है ना कि भाई आपको कार्मिक अपने डेब्ट्स पूरे करने, तो उसके लिए देखो आपको यहाँ पर एडवाइस कार्ड है, ये एडवाइस दी जा रही है आपको कि आप अपनी पास्ट एनर्जी में क्लिंग करके मत रहिए। पास्ट एनर्जी क्या है आपकी कि आप दुखी और परेशान है कि मेरा लवर मेरे साथ क्यों नहीं, क्योंकि टैरो ने आपको बता दिया है कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ क्यों नहीं है। आपका पर्सन आपके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पर्सन दूसरे लोगों के साथ कार्मिक अपने डेब्ट पूरे कर रहा है, और आप भी दूसरे लोगों के साथ में अपने कार्मिक डेब्ट पूरे कर रहे हो, और इसलिए इस बात पर स्टक होके रहना कि क्यों मेरे पर्सन ने, यानी इस बात पर स्टक रहना कि वो मुझे धोखा देकर क्यों चला गया या वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, इस दुख में स्टक रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो उसी तरह से हो गया जैसे एक बच्चा होमवर्क से बचता है। जैसे आप देख रहे हो ना कि ये लेडी ने बॉक्स अपने सर पर रख लिया, यानी ये असलियत से अपने आप को छुपा रही है, ये असलियत का सामना नहीं करी। असलियत बात ये है, असली बात ये है, असली मुद्दा ये है कि आप भी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए और आपका पार्टनर भी कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है, और एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आपका बने उसके लिए आपको इस कार्मिक डेब्ट को पूरा करना होगा। आप चाहे इस डेब्ट से कितना भी बचते फिरे या छुपते फिरे या भागते फिरे, उसका कोई फायदा नहीं होना है। आपको इस कार्मिक डेब्ट को पूरा करने की जो कुछ भी प्रक्रिया है ना, उसकी तरफ आपको चलना शुरू कर देना पड़ेगा। आप जब इस कार्मिक डेब्ट को पूरा करने की प्रक्रिया में चलने लग जाओगे तभी कोई लाइट यानी कोई ना कोई उम्मीद आपको नजर आएगी। अदरवाइज आप अगर इस तरह से स्टक रहोगे, अपने आप को रोक के रखोगे, आगे बढ़ना शुरू नहीं करोगे, तब तक टू ऑफ सॉर्ड्स का आप इन डिसीजन की स्थिति में ही रहोगे। आपको इस बात को अच्छी तरह अब समझ लेने की जरूरत है कि आप यदि अपने लव से अपने पार्टनर से अलग हैं तो इसमें ना ही तो आपके पार्टनर की गलती है ना ही आपकी गलती है, आप दोनों ही कार्मिक रिलेशनशिप में हो, और इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए आपको जो भी काम करने हैं, जो भी कदम उठाने हैं, वो आपको उठाने शुरू करने पड़ेंगे, वरना और आपको इन डिसीजन की स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको पास्ट के सौरव से, पास्ट के दुख से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको अपनी स्थिति को सुधारने का काम शुरू कर देना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसी तरह से स्टक, इसी तरह फंसा हुआ ही महसूस करते रहोगे। This is three of wands card, like ये again waiting card है। Waiting में पड़े रहने से, waiting करते रहने से, wait करते रहने से wish fulfillment का card है ये। तो आपको आपको विश फुलफिलमेंट तब तक नहीं होगा जब अगर आप इस वेटिंग मोड में ही रहोगे तो आपकी विशेष कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। और आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पे, जो अगेन ये वही कार्ड है जो पहले भी आया था, जो स्टॉकिंग का कार्ड है, सोशल मीडिया स्टॉकिंग का कार्ड। यानी यदि आप इसी तरह से एक दूसरे को सिर्फ ये देखकर परेशान होते रहोगे कि मेरा पार्टनर मेरे बिना भी खुश है, मेरा पार्टनर मेरे बिना भी सक्सेसफुल है, मेरे पार्टनर की लाइफ मेरे बिना भी परफेक्ट है, तो आप यही चीज देख देख कर दुखी होते रहोगे, आप इसी तरह वेटिंग मोड में या आप नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए रहोगे, तो आपकी जो विशेष है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। आपको करना क्या है, आप यदि हार्मनी चाहते हो, यानी टेन ऑफ कप्स, यानी आप अपने पर्सन के साथ में एक हार्मनी, एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन में आना चाहते हो, अगर आप यूनियन में आना चाहते हो, तो आपको टर्निंग इन अंदर की ओर जाना, यानी
इस सारी नेगेटिव एनर्जी से, बर्डन एनर्जी से, पास्ट में स्टक वाली एनर्जी से निकलकर आपको मेडिटेट करना होगा। आपको इस चीज को समझना होगा कि इस वक्त ये जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है आपकी, अपने पार्टनर से अलगाव जो हुआ है, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। इस वक्त ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपकी हुई है ना, ये एक्चुअल में डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको दिया गया एक एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी किस बारे में है? वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको अपने कार्मिक साइकिल से निकलने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। क्योंकि यदि आप अपने व्यक्ति के साथ कनेक्शन में होते, यदि आप अपने व्यक्ति के साथ यूनियन में होते, तो आपकी ये कार्मिक साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती। और कभी भी आप हार्मनी, ये हार्मनी कार्ड है ना, आप ये हार्मनी अगर आपको मिल भी जाए कुछ समय के लिए, आप अपने पार्टनर के साथ आ भी जाए, लेकिन परमानेंट यूनियन के लिए, परमानेंट हार्मनी के लिए, तो आपको ये जो कार्मिक साइकिल, इसे खत्म करना ही होगा। इसी कार्मिक साइकिल को खत्म करने के लिए आपको ये चांस दिया गया है, ये जो सेपरेशन दिया गया है, ये जो आपका अलगाव हुआ है अपने पर्सन के साथ, इसको आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी मत समझिए। ये मत समझिए कि आपने कुछ खो दिया है, बल्कि आप ये समझिए कि जिंदगी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मौका मिला है कि आप अपने पुराने कार्मिक बर्डन को आप खत्म कर पाए। और ट्रस्ट रखें, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। और जब आप ट्रस्ट रखेंगे और आप इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, आप अपनी इनर साइलेंस में जाएंगे, अपना मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज को हील करेंगे, अपनी इनर गाइडेंस को आप सुनेंगे, आप भगवान पे भरोसा रखेंगे, तो अल्टीमेटली देखिए कार्ड कितना सुंदर, हार्मनी कार्ड यानी 10 of Cups कार्ड आपके लिए इस स्प्रेड में आया। यानी यदि आप इस टैरो स्प्रेड के बताए अनुसार एडवाइस को फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली आप अपनी हार्मनी को पालेंगे। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि आप अपने व्यक्ति के साथ में यूनियन में आएंगे या नहीं, लेकिन आप अपने आप में हार्मनी में आ जाएंगे, आप अपने आप में कंप्लीशन में आ जाएंगे। और इस वक्त जो आप बर्डन फील कर रहे हो, या इस वक्त आप जो इंटरनली पेन फील कर रहे हो, इस वक्त आप जो सोरो फील कर रहे हो, इन बुरी एनर्जी से निकलकर आप एक बहुत खूबसूरत जगह पर आ जाओगे। व्हेन इफ यू विल हैव ट्रस्ट, और अगर आपने इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी को भी अपॉर्चुनिटी की तरह लेना शुरू किया, यानी आपने जिसे कहते हैं ना कि बुरी सिचुएशंस में से भी कुछ अच्छे को निकाल लेना, उस तरह की अगर आपने एनर्जी रखी और आपने अपने आप पर और ईश्वर पर भरोसा किया, तो आप बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी कंडीशन में, और हो सकता है कि आपके अपने लवर के साथ भी आपका यूनियन हो पाए। लेकिन इस यूनियन को होने के लिए, या फिर आप ये जो चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो जाए, या आपके और उनके बीच में कोई बातचीत हो पाए, आप एक दूसरे के साथ फिर से एक बार मिल पाए, तो उसके लिए पूरी तरीके से आपको अपने कार्मिक साइकिल को खत्म करना होगा और अपने आप को एक बैलेंस में लाना होगा। और उसके बाद ही ये दोनों ब्यूटीफुल कार्ड जो बिल्कुल सेंटर में आए हैं, यानी कम्युनिकेशन और हार्मनी, ये तभी आ सकेगा जब आप इन कार्मिक डेब्ट से, इन कार्मिक साइकिल से अपने आप को फ्री कर लोगे। हालांकि अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं इस व्यक्ति को भूल जाऊं पूरी तरीके से, या ये व्यक्ति शायद कहीं मुझे भूल तो नहीं गया है, या ये व्यक्ति मेरे बिना खुश कैसे है, या ये व्यक्ति मेरे लिए मुझे याद करता है या नहीं करता है, तो आप इस चीज का भरोसा रखिए, ट्रस्ट कार्ड है ना, आप इस चीज का भरोसा रखिए कि यदि आप उस व्यक्ति के प्रति अभी भी प्रेम प्यार फील करते हो, तो नो डाउट ये व्यक्ति भी आपके प्रति वैसा ही प्रेम, वैसा ही प्यार फील करता है। और यदि आप इस व्यक्ति को मिस करते हो, तो ये व्यक्ति भी आपको मिस करता है। यदि आप इस व्यक्ति के कम्युनिकेशन की, या इसके अपने लाइफ में लौट आने की इंतजार कर रहे हो, ये व्यक्ति भी आपकी लाइफ, आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत डीप सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, और इसलिए ये एक म्यूचुअल लव कनेक्शन है, ये बहुत डीप लव कनेक्शन है। लेकिन इस वक्त जो आपका सेपरेशन चल रहा है, इस वक्त आपका जो अलगाव चल रहा है, इसकी एक ही वजह है, ये आपके कार्मिक बर्डन, ये आपके कार्मिक डेब्ट, थर्ड पार्टी एनर्जी, वे लोग जो आपके और इनके बीच में आ रहे हैं, ये आपके पिछले जन्मों के कार्मिक डेब्ट हैं। इन डेब्ट को जब तक आप पूरा नहीं करोगे, जब तक आप इस कार्मिक साइकिल को पूरा नहीं करोगे, तब तक ये बर्डन,
ये बर्डन आपकी लाइफ से नहीं निकलेगा, और जब ये बर्डन आपकी लाइफ से निकल जाएगा फिर आप द लवर्स यानी आप दोनों पेयर आप यूनियन में आ जाएंगे और आपके बीच में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। सेंटर में यही हमारे पास में कार्ड है, तो मेरे को लगता है कि मेरी ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस टैरो कार्ड में अगर इस तरह की आप किसी तरह की सिचुएशन में आप हैं और आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, तो इसमें जो एडवाइस दी गई है ना, आप उस एडवाइस को फॉलो कीजिए। और मैं एक रीडिंग बनाऊंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अपने कार्मिक डेब्ट्स को किस तरह से जल्दी चुका सकते हैं, जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं, ताकि हम उन सोल कनेक्शंस के साथ हार्मनी में आ पाए जो एक्चुअल में हमारे सोल कनेक्शन है, जो एक्चुअल में हमारे सोल मेट्स हैं। तो किस तरीके से हम इन कार्मिक डेब्ट्स को पूरा करके अपने सोल कनेक्शंस की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ सकते हैं, इस पर मैं बहुत ही जल्दी एक टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे